डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इंटरमीडिएट की प्रोज से चौथे लेसन द होमकमिंग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने फटिक नाम के एक शरारती बच्चे का वर्णन किया है। फटिक चक्रवर्ती अपने शरारती साथियों के साथ विभिन्न प्रकार की शरारतें करता है। एक दिन वह अपने साथियों के साथ नदी तट पर जाता है। वहाँ नदी के पानी में पड़े हुए एक लट्ठे को वह नदी में बहाना चाहता है, लेकिन उसका भाई माखन उसके इस शरारत में व्यवधान डालता है। दोनों में झगड़ा होता है और माखन घर पर रोता हुआ चला जाता है। इसी बीच में फटिक का मामा विशंभर नदी में नाव में से उतरता है और उसे चक्रवर्ती लोगों का पता पूछता है, लेकिन वह नहीं बताता है। इसी बीच नौकर उसे बुलाने के लिए आता है और उसे खींच करके घर ले जाता है, जहाँ उसकी माँ के द्वारा उसकी ये और पिटाई होती है। इसी बीच में उसका मामा घर पहुँचता है। अपने मामा विशंभर को देखकर वह शर्मिंदगी महसूस करता है। आगे विशंभर अपनी बहन से उसके दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछती है और विशंभर फटिक को अपने साथ कलकत्ता ले जाने की बात करता है। फटिक और उसकी माँ दोनों तैयार हो जाते हैं और फटिक अपने मामा के साथ कलकत्ता चला जाता है, जहाँ वह अपने को अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसकी जो मामी है उसका व्यवहार भी फटिक के प्रति तिरस्कारपूर्ण है। अब आगे देखते हैं इस वीडियो में। इट वॉज एंग्विश टू फटिक टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस, डिस्पाइज्ड बाई दिस एल्डरली वूमन एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेशन if she ever asked him to do anything for her, he would be so overjoyed and he would overdo it, and then she would tell him not to be so stupid but to get on with his lessons. अपनी मामी के घर पर अनचाहा अतिथि बन जाना उस उम्र दराज महिला के द्वारा तिरस्कार किया जाना और प्रत्येक अवसर पर उसे झिड़का जाना, यह सब फटिक के लिए एक कठोर मानसिक वेदना की बात बन गई थी। अगर वह महिला उससे कुछ करने के लिए कहती थी तो वह इतना अधिक प्रसन्न हो जाया करता था कि वह उस काम को आवश्यकता से भी अधिक करता, और तब वह उससे कहा करती थी कि इतने भी ज़्यादा मूर्ख मत बनो और अपनी पढ़ाई पर लग जाओ। द क्रैम्प्ड एटमॉस्फेयर ऑफ neglect in his aunt's house oppressed Fatik so much that he felt that he could hardly breathe. He wanted to go out into the open country and fill his lungs and breathe freely, but there was no open country to go to. Surrounded on all sides by Calcutta houses and walls, he would dream night after night of his village home and long
to be back there, he remembered the glorious meadows where he used to fly his kite all day long, the broad river bank where he would wander about, the livelong day singing and shouting for joy, the narrow brook where he could go and dip and swim at any time he liked. He thought of his band of boy companions over whom he was despot, and above all the memory of that tyrant mother of his who had such a prejudice against him, occupied him day and night, a kind of physical love like that of animals, a longing to be in the presence of the one who is loved, an inexpressible wistfulness during absence, a silent cry of the inmost heart for the mother, like the lowing of calf in the twilight. This love, which was almost an animal instinct, agitated the shy, nervous, lean, uncouth, and ugly boy. No one could understand it, but it preyed upon his mind continuously. तो क्या कहा? मामी के घर के उपेक्षा के घुटन भरे वातावरण ने फटिक को इतना अधिक दुखी कर दिया कि उसे सांस लेना भी कठिन महसूस हो रहा था। वह खुले देहात की ओर चले जाना चाहता था और वह स्वतंत्र रूप से सांसें लेकर अपने फेफड़ों को भरना चाहता था, लेकिन कहीं जाने के लिए ऐसा कोई खुला देहाती क्षेत्र था ही नहीं। चारों ओर से कलकत्ता के मकानों और दीवारों से घिरा हुआ वह दिन रात अपने गांव के घर के सपने देखा करता था और उसे वहां वापस जाने की तीव्र लालसा हो रही थी। उसे उन आनंद लेने वाले आलीशान घास के चरागाहों की याद आ रही थी जहां वह पूरे दिन अपनी पतंग उड़ाया करता था, नदी का वह बड़ा सा किनारा जहां वह पूरे दिन गाता और आनंद से शोरगुल करता हुआ घुमा करता था, वह सक्रिय सी नदी जहां वह किसी भी समय जब भी चाहे जा सकता था और डुबकी लगा सकता था और तैर सकता था। उसने अपने साथ के उन लड़कों के दल के बारे में भी सोचा जिनके ऊपर वह अपनी हुकूमत चलाया करता था, और इन सारी बातों से ऊपर उसने अपनी उस निष्ठुर माँ की को याद किया जिसके अंदर उसके विरुद्ध एक द्वेष भावना थी। इन सारी स्मृतियों ने उसे दिन रात घेर रखा था। पशुओं की तरह का एक प्रकार का देह प्रेम जिसे प्रेम किया जाता है उसके सामने बने रहने की लालसा, ऐसे स्थान से अनुपस्थित बने रहने के दरमियान एक अव्यक्त चिंता, अपने मन में माँ के प्रति एक शांत पुकार जैसी के गोधूली के समय में एक प्यारे से बछड़े के अंदर होती है, ऐसा प्रेम जो लगभग एक पशु सह स्वभाव स्वाभाविक प्रेरणा के समान ही होता है। ऐसी इन सारी भावनाओं ने उसे शर्मीले घबराहट से भरे हुए दुबले पतले देहाती ग्रामीण बदसूरत से दिखने वाले लड़के को आंदोलित कर दिया था।
कोई भी इस बात को समझ नहीं सका, परंतु यह बेचैन लगातार उसके मस्तिष्क को खाए जा रही थी। आगे क्या लिखते हैं, देयर वाज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन फटेक ही गेप्ड एंड रिमाइंड साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन एंड लाइक एन ओवर लेडन आस पेशेंसली सफर्ड ऑल द ब्लोज दैट केम डाउन ऑन हिज बैक व्हेन अदर बॉयज वर आउट एट प्ले ही स्टूड wistfully by the window and gazed at the roofs of the distant houses and if by chance he espied children playing on the open terrace of any roof his heart would ache with longing। पूरे स्कूल में फटिक से बढ़कर पिछड़ा हुआ लड़का और कोई भी नहीं था। जब अध्यापक उससे कोई प्रश्न पूछ लेता था तब वह बोलने के लिए मुंह फाड़ता और चुप ही बना रहता था और अत्यधिक बोझ से लदे हुए गधे की तरह से धैर्य के साथ मुक्कों घूसों के उन सारे प्रहारों के कष्टों को सहन करता था जो उसकी पीठ पर बरसा करते थे। जब दूसरे लड़के खेलने के लिए बाहर चले जाते थे तब वह चिंताओं से भरा हुआ खिड़की के सहारे खड़ा रहता था और दूर मकानों की छत पर निगाह भरकर देखा करता था और यदि संयोग बस किसी मकान की छत पर वह खेलते हुए बच्चों की एक झलक पा लेता था तो उसका हृदय तीव्र लालसा के दर्द से कराह उठता था। One day he summoned up all his courage and asked his uncle, when can I go home? एक दिन उसने अपना सारा साहस जुटाया और अपने मामा से पूछा, मामा मैं घर कब जा सकता हूँ? His uncle answered, wait till the holidays come, but the holidays would not come till November and there was a long time still to wait। उसके मामा ने उत्तर दिया, जब तक छुट्टी आए तब तक प्रतीक्षा करो, लेकिन छुट्टियां तो नवंबर तक नहीं आएंगी और अभी तो प्रतीक्षा करने के लिए बहुत लंबा समय पड़ा हुआ था। वन डे फटिक लॉस्ट हिज लेसन बुक इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स He had found it very difficult indeed to prepare his lesson. Now it was impossible. Day after day the teacher would cane him unmercifully. His condition became so abjectly miserable that even his cousin were ashamed to on him, they began to jeer and insult him more than the other boys. He went to his aunt at last and told her that he had lost his books. एक दिन फटिक की अपनी पाठ्य पुस्तक खो गई। पुस्तक की सहायता से भी उसे अपने पाठ को तैयार करना वास्तविक रूप से बहुत कठिन लगता था, अब तो असंभव हो गया था। प्रतिदिन अध्यापक उसे
डंडे से बहरे में से पीटा करता था। उसकी दशा इतनी दयनीय हो गई थी कि उसके अपने ममेरे भाई भी उसे अपना कहने में शर्माते थे। अंत में वह अपनी मामी के पास गया और उससे कहा कि उसकी किताब खो गई है। His aunt pursed her lips in contempt and said, "You great clumsy country lot, how can I afford with all my family to buy you new books 5 times a month?" उसकी मामी ने घृणापूर्वक अपने ओठों को दबाया और बोली, तू बहुत ही फूवड़ देहाती उजड़ लड़का है, अपने पूरे परिवार को साथ लिए हुए महीने में 5 बार नई किताब खरीदने के लिए कहाँ से मैं पैसों का इंतज़ाम करूँ और तुझे दूँ। दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल फटिक हैड ए बैड हेडेक विद ए फिट ऑफ शिवरिंग। ही फेल्ट ही वाज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरिया फीवर। हिज वन ग्रेट फियर वाज दैट ही वुड बी ए न्यूसेंस टू हिज आंट। उस रात को स्कूल से वापस घर की ओर आते हुए रास्ते में फटिक को बड़े जोर का सिर दर्द हुआ और साथ में कपकपाहट का दौरा पड़ गया। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो मलेरिया का हमला हो गया हो। उसको एक बड़ा डर यह सता रहा था कि इस प्रकार से वह अपनी मामी को कष्ट पहुंचाने वाला प्राणी बन जाएगा।